प्रदेश की योगी सरकार बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। हाथरस कांड हो या बलिया गोली कांड, पुलिस की नाकामी और प्रशासन के रवैये को लेकर यूपी में विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं। अब तो बीजेपी विधायकों के रवैये को लेकर यूपी सरकार और पार्टी पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने फिर से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने खबर को शेयर करते हुए यूपी सरकार से पूछा है कि प्रदेश में क्या हो रहा है। लखीमपुर खीरी में छेड़खानी के आरोपी युवक को थाने से बीजेपी के विधायक द्वारा छुड़ाए जाने को लेकर राहुल गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि इनकी यानी बीजेपी की शुरुआत बेटी बचाओ से हुई थी, लेकिन अब ये अपराधियों को बचा रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या यूपी के सीएम बताएंगे कि किस मिशन के तहत ये सब हो रहा है, बेटी बचाओ या अपराधी बचाओ। असल में लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी कोतवाली इलाके में बीजेपी विधायक लोकेंद्र बहादुर अपने समर्थकों के साथ आए और थाने में बंद छेड़खानी के आरोपी युवक को छुड़ा कर ले गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान बीजेपी विधायक ने थाने में काफी हंगामा किया। पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में जिस युवक को गिरफ्तार किया था वो बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जिसे बीजेपी विधायक थाने से छुड़ा कर ले गए। बता दें कि इससे पहले बलिया में पुलिस की मौजूदगी में सरेआम हुई फायरिंग ने भी पुलिस को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, घटना का आरोपी भी अभी तक फरार है। वो लगातार वीडियो जारी कर धमकी दे रहा है। आरोपी को बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का भी करीबी बताया जा रहा है। बलिया, हाथरस और लखीमपुर खीरी ना जाने क्या क्या अभी यूपी में देखने को बाकी है। यूपी की कानून व्यवस्था पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।